है, आ, कल पाँच साल में पहली बार सितंबर सितंबर पॉजिटिव रहा यूएस मार्केट के लिए डाउ एस एन पी नेसटैग सब पॉजिटिव में बंद हुए और एक और चीज़ जो हो रही है यूएस मार्केट में खासतौर से एस एन पी फाइव हंड्रेड नेसटैक में दो हजार इक्कीस के बाद पहली बार हुआ है कि लगातार चौथी तिमाही में तेजी रही है और एक जो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई वो फेड चेयरमैन की तरफ से आई उन्होंने एक चीज़ रीट्रेट कर दिया आशीष कि रेट कट आएंगे लेकिन मेजर्ड अगले रेट कट 25 बेसिस पॉइंट का ही होगा जो हमने हमारी बात भी हुई थी मेरा यह मानना है कि आज ना आप आईटी टी शेयरों पर नजर रखिए आज मुझे लग रहा है आईटी शेयर कुछ कमाल कर सकते हैं कल भी थोड़ा बहुत उन्होंने रिकवरी दिखा दी थी और आज मुझे लग रहा है कि वो कमाल कर सकते हैं फेड कोई प्री डिसाइडेड मूव नहीं लेने वाला है लेकिन अगर यूएस की इकोनॉमी अच्छी रही प्लस रेट कट आए तो वो हमारे लिए आई के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन होगा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये औ, और आई आपको फिर मौके दे रहा है और इस अर्निंग सीजन से पहले शायद थोड़ा पोजिशन बनाने के मौके दे रहा है एक uh, की कटौती जनवरी एंड तक बोल रहे हैं और अगले 12 महीने में बोल रहे हैं कि 2 परसेंट तक के रेट कट की एक्सपेक्टेशन ये मार्केट मान के चल रहा है हाँ. जो उनके यूएस के स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको देखकर और यूएस में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स आने हैं आज उनका जॉर्ज uh, उसका जॉब ओपनिंग का डेटा है उसके बाद उनके जो जॉबलेस क्लेम के डेटा होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो थर्ड अक्टूबर को आएंगे और वो जो नॉन फार्म पेरोल है और सर्विसेज पीएमआई का डेटा है वो भी इस वीक आने है। तो हैं तो डेटा पॉइंट्स काफी लाइंड अप हैं लेकिन यूएस से ज्यादा फोकस इस समय आपको करना है चाइना के ऊपर बिल्कुल ठीक